बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स एंड वेलकम टू दी टुम्मी लाइब्रेरी चैनल। व्यूवर्स, इन दिस लेक्चर नंबर 8 का जो टॉपिक हैं वो हैं सेगमेंट रजिस्टर। दीज आर कोड सेगमेंट, डेटा सेगमेंट, एक्स्ट्रा सेगमेंट एंड स्टैक सेगमेंट एज वेल एज असेंबलर डायरेक्टिव्स मीन्स डॉट कोड डायरेक्टिव, डॉट डेटा डायरेक्टिव एंड डॉट स्टैक डायरेक्टिव। सो लेट्स स्टार्ट। एज यू नो व्यूवर्स, 8088 आर्किटेक्चर जो होता है वो 16 बिट का होता है, राइट? सो मैक्सिमम मीन्स टोटल 64 किलोबाइट मेमोरी यूज़ होगी, उससे ज़्यादा नहीं। तो ये एक्चुअली मेमोरी का शॉर्टेज था। सो दैट्स व्हाई फर्स्ट रीज़न इज़ देयर फॉर सेगमेंट रजिस्टर के इट डिवाइडेड मेमोरी इनटू स्मॉल डिफरेंट पार्ट्स इज़ कॉल्ड सेगमेंट रजिस्टर। ओके, मेनली द प्रोसेसर हैज़ 4 सेगमेंट रजिस्टर। नंबर 1 कोड सेगमेंट, नंबर 2 डेटा सेगमेंट, नंबर 3 एक्स्ट्रा सेगमेंट एंड नंबर 4 स्टैक सेगमेंट। द साइज ऑफ ईच वन सेगमेंट इज 64 किलोबाइट मेमोरी। मीन्स अब सेगमेंट रजिस्टर की वजह से 4 टाइम मेमोरी इंक्रीज, मीन्स टोटल 256 किलोबाइट मेमोरी हो गई। सो शॉर्टेज की जो प्रॉब्लम थी वो इस वजह से सॉल्व हो गई, राइट? नाउ एक एक सेगमेंट को हम डिटेल में समझेंगे, बट उससे पहले सेकेंड रीज़न इज़ देट फॉर सेगमेंट रजिस्टर के नॉर्मली प्रोग्राम इज़ डिवाइडेड इनटू 3 सेगमेंट्स। नंबर 1 डॉट कोड डायरेक्टिव, नंबर 2 डॉट डेटा डायरेक्टिव एंड नंबर 3 डॉट स्टैक डायरेक्टिव। मीन्स इन प्रोग्राम में जब प्रोग्राम क्रिएट करते हैं तो सेपरेट सेपरेट सेक्शंस होते हैं प्रोग्राम के, स्पेशली ये 3 होते हैं, कोड, डेटा एंड स्टैक। दिस इज़ बेसिकली कोड सेगमेंट रिप्रेजेंटेड बाय दी डॉट कोड सेक्शन एंड डेटा सेगमेंट रिप्रेजेंटेड बाय दी डॉट डेटा सेक्शन। लाइकवाइज स्टैक सेगमेंट रिप्रेजेंटेड बाय दी डॉट स्टैक सेगमेंट, राइट? अब ये एक वर्ड है डायरेक्टिव, ये क्या है? व्हाट इज़ डायरेक्टिव, व्हाट इज़ असेंबलर डायरेक्टिव, असेंबलर डायरेक्टिव होता क्या है? सो असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम इज़ अ सीरीज ऑफ स्टेटमेंट्स और इंस्ट्रक्शंस दैट डायरेक्ट द असेंबलर टू डू समथिंग इज़ कॉल्ड डायरेक्टिव। मीन्स ये वो स्टेटमेंट्स या इंस्ट्रक्शंस हैं जो असेंबलर को डायरेक्ट करती हैं, बताती हैं कि क्या काम करना है। सिंपली डायरेक्टिव डायरेक्ट कर रहा है कि ये वाला सेक्शन सपोज कोड सेगमेंट में जाएगा। ओके, सपोज दिस इज़ द डायग्राम फॉर द एक्सप्लेनेशंस। मीन्स हेयर लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स, टोटल 4 प्रोग्राम हैं। अब जब सपोज प्रोग्राम नंबर 1 लोड करवाएंगे प्रोसेसर से मेमोरी में, सो मेमोरी इज़ डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स एंड इन 8088 आर्किटेक्चर में मेमोरी हैज़ 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेगमेंट लाइक कोड सेगमेंट, डेटा सेगमेंट, एक्स्ट्रा सेगमेंट एंड स्टैक सेगमेंट। अब जिस टाइप का डेटा है उस टाइप का सेगमेंट होगा, राइट? सो इन मेमोरी डेटा इज स्टोर्ड एज बाइट्स, सो ईच बाइट हैज अ स्पेसिफिक एड्रेस। मींस ईच सेगमेंट हैज़ इट्स ओन एड्रेस, हर सेगमेंट का पार्टिकुलर एड्रेस होता है जो स्टोर होता है सेगमेंट रजिस्टर में। ओके, एंड यहाँ पर एक लिमिटेशन है कि अगर एट सेम टाइम प्रोग्राम नंबर 2 को भी लोड करवाएंगे तो वो नहीं होगा, मेमोरी से प्रोसेसर लेगा ही नहीं जब तक प्रोग्राम नंबर 1 कंप्लीट ना हो जाए, देन सेकेंड लोड होगा
और सेम प्रोसेस चलेगा। ओके, नंबर वन सेगमेंट इज कोड सेगमेंट। कोड सेगमेंट इज अ लोकेशन वेयर कोड इज रिटन, मींस वो लोकेशन जहाँ पे कोड लिखा जाता है, राइट, एंड आइडेंटिफाई एरिया ऑफ द प्रोग्राम कंटेनिंग एग्जीक्यूटेबल स्टोरिंग द इंस्ट्रक्शंस। मींस कोड सेगमेंट में प्रोग्रामिंग का जितना भी कोड या इंस्ट्रक्शंस स्टोर हैं या एग्जीक्यूट होनी हैं तो वो डार्ट कोड के सेक्शन में लिखते हैं, राइट। द मेन फंक्शन ऑफ कोड सेगमेंट इज होल्ड एड्रेस ऑफ कोड सेगमेंट, मींस प्रोसेसर ने रैम के अंदर प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन लोड की जो स्टोर थी उसका ये एड्रेस कोड सेगमेंट अपने पास रखता है। मींस प्रोग्राम क्रिएट, कोड लिखा एक सेपरेट सेगमेंट में, तो वो कहाँ होता है, तो वो रैम के अंदर होता है, उसके एड्रेस कोड सेगमेंट अपने पास रखता है। सो होल्ड एड्रेस ऑफ कोड सेगमेंट, सिंपली जो कोड लिखते हैं उसका जो एड्रेस होता है वो कोड सेगमेंट होल्ड करके रखता है, एंड ये ऑलवेज कोड सेगमेंट के नेम से यूज़ होगा, चाहे ये 8 बिट का प्रोसेसर हो या 16 बिट का या 32 बिट का। ओके, द सेंटेक्स इज डार्ट कोड नेम। अब प्रोग्राम लिखने का प्रॉपर वे कि अगर प्रोग्राम एक सिंपल एक काम के लिए हैं, मींस एक प्रोसीजर के लिए हैं, तो लिखेंगे एक प्रोसीजर, उसके अंदर प्रोग्राम लिखेंगे, कोडिंग करेंगे। अब अगर बहुत सारे प्रोसीजर हैं डिफरेंट, तो डिफरेंट प्रोसीजर इसके अंदर बना सकते हैं, बट वी आर बिगनर्स तो एक ही प्रोसीजर यूज़ करेंगे, राइट। सो एग्जांपल, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे मेन प्रोक। प्रोक मींस प्रोसीजर, ये एक नेम है, इसकी जगह पे कुछ भी लिख सकते हैं। मेन प्रोक मींस मेन प्रोसीजर इंस्ट्रक्शंस, ये प्रोग्रामिंग की स्टार्टिंग है। एंड मेन इंड पी मींस अदर प्रोसीजर गो हेयर, ये एंडिंग है प्रोग्रामिंग की, मींस प्रोसीजर एंड हो गया है। इन बिटवीन कोड लिखा जाता है, ये एक प्रोसीजर है, ये एक प्रोक है जो बनाया है डार्ट कोड के अंदर। ऐसे ही नेक्स्ट प्रोक, फिर नेक्स्ट, ऐसे डिफरेंट प्रोसीजर बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन सेगमेंट इज डेटा सेगमेंट। डेटा सेगमेंट इज अ लोकेशन इन द मेमोरी वेयर डेटा इज स्टोर्ड, मींस ये वो लोकेशन है जहां पर मेमोरी में डेटा स्टोर किया जाता है। एंड आइडेंटिफाई द एरिया ऑफ प्रोग्राम कंटेनिंग वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट, मींस जो कम्प्लीटली डेटा होता है, जितने भी वेरिएबल कांस्टेंट प्रोग्राम में डिफाइन करने हैं वो डेटा सेगमेंट के अंदर आएंगे, राइट। लास्ट पॉइंट इज दैट के होल्ड एड्रेस ऑफ डेटा सेगमेंट, मींस जब प्रोग्राम क्रिएट करते हैं सो डेटा रखते हैं, तो उसका डेटा सेगमेंट है रैम में, उसका ये एड्रेस अपने पास होल्ड करता है। सिंपली डेटा सेगमेंट स्टोर करता है, होल्ड करता है डेटा सेगमेंट के एड्रेस को जहाँ पे डेटा स्टोर होता है, राइट। थर्ड वन सेगमेंट इज एक्स्ट्रा सेगमेंट। दिस इज अनदर डेटा सेगमेंट, एंड एक्स्ट्रा सेगमेंट होल्ड एड्रेस ऑफ डेटा सेगमेंट। अब
कोड सेगमेंट में उसका जो एड्रेस है वो तो कोड सेगमेंट के पास होता है। अब सपोज कोड सेगमेंट रजिस्टर का सेगमेंट फुल हो जाए तो फिर वो सेपरेट एक एक्स्ट्रा सेगमेंट रैम के अंदर ले सकता है, जहां से कोड लिखेंगे उसका एड्रेस एक्स्ट्रा सेगमेंट अपने पास होल्ड करेगा। मींस जो आपका कोड सेगमेंट है उसका जो एड्रेस है बाकी का वो इस एक्स्ट्रा सेगमेंट वाले रजिस्टर के अंदर रखते हैं इन केस ऑफ कोड सेगमेंट फुल हो जाए। सो होल्ड एड्रेस ऑफ डेटा सेगमेंट, सिंपली ये डेटा सेगमेंट का एड्रेस होल्ड करके रखता है, राइट। लास्ट वन सेगमेंट इज स्टैक सेगमेंट। सो व्हाट इज स्टैक? स्टैक इज अ सेट और ब्लॉक ऑफ मेमोरी लोकेशंस इन व्हिच डेटा इज स्टोर्ड इज कॉल्ड पुश एंड डेटा इज रिट्रीव्ड इज कॉल्ड पॉप ऑन अ टेम्पररी बेसिस। मींस जो स्टैक हैं और सेट ऑफ मेमोरी लोकेशन हैं जिसमें दो कंडीशन हैं पुश एंड पॉप की। पुश अगर डेटा स्टोर करना है मींस जब भी पार्टिकुलर इंस्ट्रक्शन और डेटा को स्टोर करना चाहते हैं तो पुश इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होंगी, और जब डेटा को रिट्रीव करना है मींस जब भी डेटा चाहे तो मींस जब भी डेटा चाहे तो पॉप इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होंगी, राइट। अब इनका जो एड्रेस है उसको स्टैक सेगमेंट होल्ड करके रखता है। सो होल्ड एड्रेस ऑफ स्टैक सेगमेंट। एक्चुअली स्टैक सेगमेंट में स्पेशल मैनेजमेंट होती हैं कि मेमोरी को किस तरह एक्सेस, मींस जो डेटा पहले सेंड कर रहे हैं उसको पहले निकालना है या लास्ट में। सो ये मैनेजमेंट है स्टैक मैनेजमेंट। उसका मेमोरी के अंदर पार्ट लोड होता है उसका ये एड्रेस अपने पास रखता है, राइट। सपोज दिस इज स्टैक, टॉप से ओपन एंड बॉटम से क्लोज। जो स्टार्टिंग एड्रेस होता है उसे कहते हैं बॉटम ऑफ सेगमेंट एंड जो फाइनल लास्ट एंडिंग एड्रेस होता है उसको कहते हैं टॉप ऑफ सेगमेंट। अब स्टैक सेगमेंट का पार्ट जो रैम के अंदर है तो इसमें सपोज फर्स्ट डेटा रखा, देन सेकंड रखा एंड लास्ट वन थर्ड। तो इसमें सपोज फर्स्ट डेटा रखा, देन सेकंड एंड देन थर्ड। अब जो लास्ट में डेटा रखा है थर्ड, तो जब बाहर डेटा निकालेंगे तो सबसे पहले थर्ड वाला ही इसको ही निकालेंगे। इसका जो लास्ट वाला डेटा है उसको टॉप कहते हैं। तो सबसे पहले टॉप को निकाला जाता है स्टैक मैनेजमेंट में। मींस पहले डेटा जो कि अब बॉटम में है पहले निकाल नहीं सकते, मींस लास्ट वाला फर्स्ट और फर्स्ट वाला लास्ट निकलेगा। इसको कहते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो। सो इसका जो पार्ट होता है रैम के अंदर उसका एड्रेस स्टैक होल्ड करता है, ओके। द सिंटैक्स इज डॉट स्टैक साइज। डॉट स्टैक 100H, 100H ये साइज हैं कि कितना साइज। सो स्टैक में हम H मीन्स हेक्साडेसिमल से डिफाइन कर देंगे कि कितना स्पेस चाहिए। एंड ऑलवेज 100H यूज़ होता है, मीन्स 100 हेक्साडेसिमल में। तो ये बहुत बड़ा साइज है स्टैक का, ओके। सो व्यूवर्स दैट्स ऑल। सो प्लीज शेयर, सपोर्ट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।